कोरोना काल में सागर को देश के अत्याधुनिक प्लांट की सौगात। कोरोना काल में सागर को बड़ी सौगात मिल गई है। शहर को कचरा मुक्त बनाने और संक्रामक बीमारियों से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन करीब 6 साल पहले स्वीकृत हुआ 71 करोड़ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई पूर्ण हो गई है। देश में कचरे से खाद बनाने वाले अब तक के सबसे आधुनिक प्लांट के रूप में ये शुमार होगा। धामोनी मार्ग पर स्थित मसवासी ग्रंट में ये प्लांट पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। आज इसी के शुभारम्भ अवसर पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में हम लोग इस महामारी को काफी हद तक रोकने में सफल हुए और देश में आज बाकी राज्यों की तुलना में हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में काफी हम लोगों ने नियंत्रण किया है और इसी कारण से आज देश में मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर, छोटे छोटे राज्य भी हमसे आगे हैं। ये जो प्रयास है उसी प्रयास को पूरा कोरोना का इलाज सरकार फ्री में करा रही है। एक पेशेंट में कम से कम सरकार 60,000 रुपए का खर्च एक पेशेंट में कर रही है, पूरा सरकार ये करा रही है। तो मध्य प्रदेश में इस कोरोना के संकट के बीच में, इस महामारी के बीच में और सागर में तो बीच में एक समय ऐसा आया था कि 400-500 केस तक हो गए थे, परंतु मैं यहाँ पर हमारे कमिश्नर भी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं और बाकी जनप्रतिनिधि भी हैं, सब हमारे पार्षदगण हैं। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि सागर पर नियंत्रण पाने में आप लोगों ने सफलता पाई और अब सागर में मुश्किल से 10-12 केस का एक करने का आता है। तो सागर प्रदेश में सबसे अच्छा काम करने के मामले में, इस मामले में प्रदेश में सागर ने सबसे अच्छा काम कोरोना के मामले में किया है। तो मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद करता हूँ, कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसी में प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करके आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। उस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अनेक चीजें हम लोगों ने तय की है। समय अभी कम है, आगे कार्यक्रम है और इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा, परंतु इस कोरोना के समय में हम सब जानते हैं कि इसका बचाव का सबसे सशक्त माध्यम दो चीजें अगर हमने कर ली, एक तो हम मास्क का उपयोग करें, अधिकतम मास्क बिल्कुल ना निकालें। कई लोग लगाए रहते, बात करते समय निकाल लेते हैं, तो ये बात करते समय निकालना ही नुकसानदायक होता है और इसलिए मास्क लगाए रहे। गांव के लोगों से विशेष आग्रह है कि गांव में लोग बिल्कुल निश्चिंत है कि नहीं होगा, परंतु ये बीमारी है, एक प्रकार से वायरस है, इसका कोई गांव शहर से संबंध नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है और इसलिए इसमें सबसे जरूरी मास्क लगाए और दूसरा सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करें। जैसे यहाँ पर अभी दूरी बना के हम लोग बैठे हैं, ऐसा सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करें तो बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपना उदाहरण बता सकता हूँ, मैं 15 कोरोना पेशेंट के साथ रह चुका 2-2 घंटे, एक आज से 15 लोगों के साथ अभी तक, परंतु मैं बचा हुआ हूँ इसलिए कि ना तो मास्क निकालता हूँ ना ग्लव्स निकालता हूँ और सबसे आग्रह करता थोड़ा दूर से बात करूँ, तो इस वजह से अभी तक बचे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमारे सुरक्षित हमें रहना है और इसीलिए हम लोगों ने नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से, जैसा हमारे कमिश्नर साहब निकुंज श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हम लोगों ने हर शहर में अभियान चलाया, एक मास्क अनेक जिंदगी, मतलब एक मास्क से अनेक जिंदगी। अगर हमने मास्क नहीं लगाया तो आप समझ लो कि आपके अपराध की सजा पूरा परिवार भुगतता, छोटा बच्चे से लेके भी, चाहे वो छोटा 6 महीने का बच्चा हो चाहे साल भर का बच्चा हो और आपके चाहे बुजुर्ग तो माता पिता हो, सबको कोरोना होता है, आपकी एक गलती से पूरा परिवार उसकी सजा भुगतता है, मतलब गारंटी से होगा, अगर आपको हुआ है तो परिवार को गारंटी से होगा ही। और इसलिए एक मास्क अनेक जिंदगी हम लोगों ने नारा दिया और उसमें प्रदेश भर में अभियान चला के हम लोगों ने मास्क बैंक बनाया, लोगों से जन सहयोग से मास्क लिए और लोगों को मास्क देने का काम हम लोगों ने किया। ये अभियान 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चला और लगभग 5 लाख लोगों को हम लोगों ने नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से निःशुल्क मास्क देने का काम मध्य प्रदेश में किया।